साउथ अफ्रीका के साथ 12 मार्च यानी कि आज के मैच में खेलने पहुंची टीम इंडिया के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने एचपीसीए स्टेडियम परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इंजरी के बाद वापसी का चैलेंज होता है, लेकिन कड़ी मेहनत और अभ्यास से सब संभव हो सकता है। साउथ अफ्रीका टीम द्वारा इंडिया में शेक हैंड न करने की बात पर भुवनेश्वर ने कहा कि हाँ, ये बड़ी पॉइंट है, हमारी डॉक्टर्स की टीम होती है, वो जो इंस्ट्रक्शन देगी उसे फॉलो किया जाएगा। साउथ अफ्रीका के साथ 12 मार्च को मैच खेलने पहुंची टीम इंडिया के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने एचपीसीए स्टेडियम परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इंजरी के बाद वापसी का चैलेंज होता है, लेकिन कड़ी मेहनत और अभ्यास से सब संभव हो सकता है। साउथ अफ्रीका टीम द्वारा इंडिया में शेक हैंड न करने की बात पर भुवनेश्वर ने कहा कि हाँ, ये बड़ी पॉइंट है, हमारी डॉक्टर्स की टीम होती है, वो जो इंस्ट्रक्शन देगी उसे फॉलो किया जाएगा। भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि इंजरी की वजह से टीम से बाहर रहकर वापसी पॉजिटिव माइंड से होती है और भी बेहतर करने का प्रयास करता है। धर्मशाला के मौसम को देखते हुए भुवनेश्वर ने कहा कि चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग, जो भी पहले होगा वो किया जाएगा। नहीं, जैसा आपने बोला कि पेस को मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है, बीइंग रीजन कि वो इंजर्ड होता है, वापस आता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है अगर वो उतनी तेज चलेगा तो शायद फिर से इंजरी हो जाए। तो बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए मैचेस खेलना। जैसे मैंने आने से पहले कुछ मैचेस खेले तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं जो ऊपर मैच खेलने वाला हूँ उसके लिए फिट हूँ। चैलेंज है, बट उसके लिए तरीके हैं, आपको रिहैब करना, फिजियो के साथ काम करना, बट बेस्ट वे इज टू गो विद प्रैक्टिस मैचेस। लुक, आई कैन नॉट से यू नो इट्स गोना बी डेंजरस और नो, बिकॉज इट्स जस्ट स्टार्टेड इन इंडिया, बट फॉर दैट वी आर टेकिंग एवरी प्रिकॉशंस वी कैन टेक। वी हैव अ टीम डॉक्टर विद अस, ही इज गिविंग अस इंस्ट्रक्शन व्हाट डूज एंड डोंट्स, सो we are taking every precaution we can, so hope it won't go much further. नहीं, इस बारे में सोचा है, मैं अभी नहीं बोल सकता इग्नोर, अगर हमने सलेवा यूज़ नहीं किया बॉल शाइन कैसे करेंगे, फिर मार पड़ेगी, आप लोग बोलोगे बॉलिंग अच्छी नहीं करते हो, तो पता नहीं उसके लिए। बट हाँ, आप जो बोला वो एक वैलिड पॉइंट है, तो लेट्स सी, डॉक्टर है हमारे साथ, आज मीटिंग होगी, वो लोग जो भी हम लोग को इंस्ट्रक्शन देंगे या जो भी बेस्ट चीज़ करते हैं कर सकते हैं, साथ में सलेवा यूज़ करने के साथ हम इग्नोर कर सकते हैं, तो आई मीन जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर के ऊपर है मीटिंग में, वो जो हमें जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे या जो भी चीज़ें होंगी हम वो फॉलो करेंगे। देखिए, इंटरनेशनल मैच है तो इम्पोर्टेंस है, अब एक रीज़न है, अगर हमें सीरीज हार गए तो आप लोगों को पता है आप लोग कैसे हम लोगों को अप्रोच करेंगे, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। बट एम ये रहेगा हमारा कि सीरीज़ जीतना, अगर अच्छा नहीं करेंगे वो एज अ पर्सनल इंडिविजुअल के कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि यहाँ से आईपीएल जाएंगे नो, वो T20 इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर हम यहाँ जीतेंगे तो जो कॉन्फिडेंस होगा आईपीएल में जाने के लिए, आगे T20 में जाने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप अब टीम के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि एक बॉलर अगर इंजर्ड हो रहा है या टीम से बाहर है किसी भी रीज़न से, तो उसके पास उसके पीछे 2-3 बॉलर्स हैं जो उतनी एबिलिटी से उतने ही अच्छे हैं। बट अगर आप वापस आते हैं तो आपको पता है हेल्दी कॉम्पिटिशन है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जब आप अगर वापसी करेंगे तो एक पॉजिटिव माइंडसेट से करेंगे, उसी तरीके की प्रिपरेशन करेंगे कि हाँ, मेरे साथ कंपटीशन है, मुझे अच्छा करना है अगर वापस मुझे उस लाइनअप में आना है। तो अगर पॉजिटिव वे में देखें तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, एक इंडिविजुअल के लिए भी और टीम के लिए भी। तो जनरली यहाँ अच्छा बैटिंग विकेट होता है और लास्ट में ड्यू भी आती है, तो मुझे नहीं पता आप यहाँ पर ड्यू जनरली अभी पड़ रही है या नहीं पड़ रही, बट उसका रीज़न ये है कि जब बाद में ड्यू होती है तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है बॉलर्स के लिए बॉलिंग करना, तो वो चीज़ है। अब जो भी टीम मीटिंग होगी या जो भी यू नो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाएगा वो अलग पार्ट्स है, बट जो आपने पूछा कि डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा बैटिंग विकेट है और हाई एल्टीट्यूड पे जब होता है तो बॉल ज़्यादा ट्रेवल करता है, तो वो डिफिकल्ट होता है बॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से। लुक, द फ्यू डूज एंड डोंट्स विच ही यू नो आस्क्ड टू डू, सो आई मीन सिंपल थिंग्स दैट कीप योर हाइजीन, कीप वॉशिंग योर हैंड्स, एंड when it comes to you know going closer to the fans and all those things, see this thing we cannot avoid because they love us, they support us, but yes, in this meantime we can try to be not say no to them, but we can choose not to go much closer or going into the public, so we can avoid as much as we can, and other things that keep wearing mask and all those gloves, all those things, so that's a thing. जब मैंने शुरू किया सर्जरी के बाद तो बहुत धीरे धीरे शुरू किया, जस्ट कि मैं वॉक कर सकूं, फिर एक वीक के बाद डिफरेंट एक्सरसाइजेज शुरू की रिलेटेड टू बॉलिंग्स जो हम जनरली फील्ड में करते हैं, भागना या कुछ स्पेसिफिक जो बैटिंग बॉलिंग में यूज़ होती हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे की, और उसके बाद जब मुझे लगा कि मैं थोड़ा फिट हूँ तो उन्होंने कहीं ना कहीं बॉलिंग शुरू कराई, और मैचेस जो मैंने खेले पिछले एक वीक में, तो वो हमारी प्लानिंग थी कि जो भी चीज़ें करें प्रोग्रेसिवली करें, ऐसा ना हो कि
नो कोई मैच ना खेल के वापस मैं यहाँ पे आऊँ, वापस ब्रेक डाउन हो, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखा है।